हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सीरीज़ है उसको फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उसका लेक्चर नंबर 4। अभी देखो, लेक्चर नंबर 3 के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आई बटन में आप लोग को दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसके जो टाइप्स है दो, जो कि है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बारे में हम लोग ने डिटेल में स्टडी किया था, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो पूरा के पूरा उस वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे अबाउट व्हाट इज डायोड, कि डायोड होता क्या है। देन हम लोग पढ़ेंगे अबाउट व्हाट इज पीएन जंक्शन, कि पीएन जंक्शन क्या होता है। देन हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, एंड देन लास्ट में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीजन लेयर। अगर आप लोगों को ये सारे नाम्स नहीं भी याद तो आप लोग जो है कोई टेंशन नहीं है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे अबाउट डायोड, कि डायोड क्या होता है। तो डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विथ टू एलिमेंट्स नेमली एनोड एंड कैथोड। मतलब इसका मतलब क्या है, डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिसके पास दो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट है एनोड और सेकेंड है कैथोड। अब ये जो एनोड है वो और कैथोड है, इसका नाम आप लोग ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा। तो एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हो दो डायोड्स रखे हुए, एक रेड है कलर का है और एक ब्लैक कलर का है, क्योंकि डायोड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उसके हिसाब से जो है रेड डायोड है और ब्लैक डायोड है, इसके ऊपर इग्नोर करें। बट यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोग इस सिंबल को आप लोग देख सकते हो, सिंबल में जो ट्राइंगल वाला साइड है वो होता है एनोड और जो लाइन वाला पार्ट है वो होता है कैथोड। एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, पीएन जंक्शन क्या है। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा, उस वीडियो को जाके देख लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये तभी आप लोगों को समझेगा। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ फैब्रिकेशन टेक्निक टू फॉर्म अ पीएन जंक्शन। मतलब क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब हम लोग जॉइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी फैब्रिकेशन टेक्निक तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। बेसिकली क्या, अगर मैं एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लूँ और एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लूँ, उनको जॉइन कर दूँ किसी भी फैब्रिकेशन टेक्निक के थ्रू, तो वो क्या हो जाता है, पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। इसको हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने ले लिया ब्लैक कलर का और एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने ले लिया व्हाइट कलर का। अभी देखिए, ध्यान से देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो आप लोग को सर्कल सर्कल दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आप लोग जहाँ पे सर्कल सर्कल देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अभी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में ध्यान से आप लोग को समझा रखा है, तो वो वाली वीडियो आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से आप लोग देखें ना, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ज़्यादातर जो चार्जेस है वो क्या है, होल से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो ज़्यादातर चार्जेस है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन से। बट यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप लोग ऐसे दो होल्स देख सकते हो जो कि है इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी आप लोग दो होल्स देख सकते हो। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ये होल्स है वो क्या है, मेजॉरिटी चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज है। मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है, मेजॉरिटी मतलब वो चार्जेस जो कि ज़्यादा है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज बोलते हैं। वाइल पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज बोलते हैं। कंप्लीटली ऑपोजिट एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं, और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज होते हैं क्योंकि ये जो है कम होते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पर एक जो है आप लोग देख सकते हो एक जंक्शन फॉर्म हो जाता है। ये रेड लाइन आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन फॉर्म हो जाता है। जब कोई भी दो चीज़ें जब मिल जाती है या फिर मिक्स हो जाती है तब वहाँ पर एक लाइन फॉर्म हो जाती है, एक बॉर्डर फॉर्म हो जाती है, एक जंक्शन फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर के से मिलने के बाद जो जंक्शन फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी एन जंक्शन। मतलब अगर आप लोगों को पी एन जंक्शन कोई भी पूछेगा तो आप लोग सीधा सीधा बोल दे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम लोग फैब्रिकेशन टेक्निक्स के थ्रू ज्वाइन करते हैं तब एक जंक्शन फॉर्म होता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पी एन जंक्शन। आई होप आप लोग को पी एन जंक्शन का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। अगला कॉन्सेप्ट है पी एन जंक्शन डायोड सिंबल। मतलब पी एन जंक्शन का डायोड का जो सिंबल होता है
उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आप लोग ये जो स्क्रीन के ऊपर ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये पीएन जंक्शन डायोड का ये जो है सिंबल है, इसमें आप लोग देख सकते हो दो टर्मिनल्स आप लोग को दिखेंगे, एक है एनोड एक है कैथोड। और जो यहाँ पर आप लोग को ट्राइंगल दिख रहा है वो क्या है, वो एनोड का टर्मिनल है, और जो लाइन वाला जो टर्मिनल आप लोग को दिख रहा है वो है कैथोड का टर्मिनल। एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है पी और एन जो है नेमिंग भी दे देता हूँ, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर एनोड होता है और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर वो कैथोड होता है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो कैथोड भी नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैथोड होता है। और जो पी टाइप है वो उसके अंदर होल्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए वहां पर मैंने एनोड दे दिया। ओके गाइस, अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, कि डिफ्यूजन प्रोसेस पीएन जंक्शन में कैसे परफॉर्म होती है। तो सबसे पहले मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड ले लिया आपके एग्जांपल के लिए। अभी देखिए ध्यान से देखिए क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड में जो होल्स है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स आप लोग को दिखते हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज है, जो कि ऑपोजिट चार्जेस है इनके, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट किस जगह के ऊपर करेंगे, जंक्शन के, क्योंकि जंक्शन जो है उसके पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे। देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स के साथ अट्रैक्ट हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इनके साथ डिफ्यूज़ हो जाएंगे, ये इनके साथ मिल जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन्स जो है होल्स से मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। ओके गाइस, हम लोग यहाँ पर जो है डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोगों ने जान लिए कि कैसे फॉर्म होती है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर आप लोग को डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में तो आ गया, यहाँ पर अभी आप लोग लिखोगे कैसे, उसको वर्डिंग में कैसे लिखोगे। तो देखिए यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस है वो तो हमारा चल ही रहा था। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे, इन ऑर्डर टू क्रिएट पीएन जंक्शन डायोड वी हैव टू टेक वन पी टाइप एंड वन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड जॉइन इट। तो बेसिकली जैसे कि यार मैंने आप लोग को बताया, पीएन जंक्शन डायोड को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करना पड़ता है, तब जाके पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है। सेकंड पॉइंट आप लोग लिखोगे, द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। अभी देखिए टेंडेंसी मतलब क्या है, टेंडेंसी मतलब प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिवली साइड के ऊपर अट्रैक्ट होंगे, तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो पॉजिटिवली साइड के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड वाले पॉइंट के ऊपर पढ़ते हैं, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादातर जो कैरियर्स चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और कम जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पर जो है एकदम उल्टा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एकदम ऑपोजिट है P type semiconductor से, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द होल एंड डिफ्यूजर्स इटसेल्फ व्हाइल द होल विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफ्यूजर्स इटसेल्फ, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस। मतलब होता क्या है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना वो होल के साथ डिफ्यूज कर देते, अपने आप को डिफ्यूज कर देते, और जो होल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर अपने आप को डिफ्यूज कर देते, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। अभी देखिए डिफ्यूज मतलब क्या है, डिफ्यूज मतलब मिल जाना, दोनों का मिल जाना, कोई भी चीज जो है अगर मिल जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूज बोल रहे हैं। तो इस टाइप से जो है डिफ्यूजन प्रोसेस काम करती है। अगर आप लोग को डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में लिखना है तो आप लोग उस टाइप से लिख सकते हो, या फिर अगर आप लोग को यहां पर जो है पैराग्राफ फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट करना है तो आप लोग इस टाइप से प्रेजेंट कर सकते हो। आई होप आप लोग को डिफ्यूजन प्रोसेस में कोई भी डाउट नहीं है। ओके गाइस, हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर, कि डिप्लेशन लेयर कैसे फॉर्म होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ने ले लिया है, तो पिछले वाले प्रोसेस में आप लोग ने देखा होगा कि जो होल्स है वो इलेक्ट्रॉन के पास आ जाते हैं, उनके साथ डिफ्यूज कर देते, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल के पास जाके आपस में जो है डिफ्यूज कर देते। तो अभी देखिए ध्यान से होगा क्या, यहाँ पर बीच में इसलिए मैंने जगह छोड़ी है क्योंकि ये डिफ्यूज हो गए, अभी ये खत्म हो गए, तो जंक्शन के पास हो जाए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है शॉर्टेज ऑफ चार्जेस हो जाएंगे। मतलब ये अभी देखिए ये मिल गए, डिफ्यूज हो गए, तो ये क्या है, एट द एंड न्यूट्रल हो जाएंगे, ये एट द एंड क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए, ये न्यूट्रल हो गए, तो इनके पास कोई चार्ज ही नहीं है, अभी ये जो है शॉर्टेज ऑफ चार्ज आ गया जंक्शन के पास। तो अभी ध्यान से देखिए होगा क्या, यहाँ पर देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के जंक्शन के पास पॉजिटिव इमोबाइल एटम्स आ गए।
इमोबाइल आयंस आ गए, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास जो है नेगेटिव इमोबाइल आइटम्स आ गए। अब ये क्यों आ गए, इसके उसका भी मैं आप लोग को रीज़न बताता हूँ। जब भी एन टाइप सेमीकंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जाता है होल्स के साथ डिफ्यूज करने के लिए, तो होता क्या है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है ना वो कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ये जो नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स है इसकी संख्या कम हो जाएगी, तो एन टाइप अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट्स मतलब उधर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे। उसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब होल्स जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जो शॉर्टेज है वो हो जाएगी, एंड इसके कारण जो वहाँ पर जो है उसके जंक्शन के पास जो है नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस आ जाएंगे। इसको नेमिंग भी दे देते हैं, यहाँ पर जो आप लोग को नेगेटिव दिख रहा है वो है नेगेटिव इमोबाइल आयंस और यह है पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो बचे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और बचे हुए फ्री होल्स है, ये क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के साथ और ये क्यों नहीं डिफ्यूज होंगे। तो इसका रीजन भी मैं आप लोग को बताता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिवली इमोबाइल आयंस है और पॉजिटिवली इमोबाइल आयंस है वो यहाँ पर आ चुके, तो यहाँ पर होगा क्या, जब भी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर में जाने को निकलेंगे, तो ये जो नेगेटिवली इमोबाइल आयंस है ना वो उनको रिपल करेंगे, वो उनको रोक लेंगे। क्यों रोक लेंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट है और ये जो नेगेटिव इमोबाइल आयंस है वो भी नेगेटिव है, तो इसके वजह से क्या हो गया, जो सेम चार्जेस है वो रिपल करते हैं, इसलिए वो जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में उसको एंटर नहीं करेंगे, मतलब नहीं करने देंगे। सेम पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ भी होगा, जो होल्स है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके अट्रैक्ट करने जाएंगे, बट यहाँ पर जो पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है वो उन्हें रोक देंगे, रिपल कर देंगे, जिससे ये जो प्रोसेस है ना ये यहीं पर रुक जाएगा, मतलब एट द एंड ये प्रोसेस यहाँ पर रुक जाएगा अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर मैं कोई एक्सटर्नल करंट यहाँ पर अप्लाई नहीं करूँ। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कोई एक्सटर्नल करंट यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के पास उनकी सफिशेंट एनर्जी हो जाएगी और उनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो जो रिपल्शन है ना उनका भी सामना करके वो जो है अपना जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो कर लेंगे। तो ये जो है ये स्टिल पोजिशन के ऊपर है, इधर अभी हम लोग ने कोई करंट अप्लाई नहीं किया है, तो ये ऐसा कोई जो है डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाएगा। अभी देखिए ये जो पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है और नेगेटिव इमोबाइल आयंस है, इनके यहाँ पर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे डिप्लेशन लेयर। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। तो आई होप आप लोगों को जो है डिप्लेशन लेयर का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। ओके गाइस, हम लोग ने डिप्लेशन लेयर को डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में तो समझ लिया, अभी हम लोग लर्न करेंगे डिप्लेशन लेयर को वर्डिंग फॉर्मेट में, पैराग्राफ फॉर्मेट में। अभी देखिए एग्जाम में आप लोग को ये डायग्राम तो ड्रॉ करने का ही है, प्लस यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो भी आप लोग को लिखना आना चाहिए। तो हम लोग अभी लर्न करेंगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर ही चालू है। बस यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे वो है द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड विल डिफ्यूज इन टू द पी साइड एंड रिकम्बाइन द होल्स प्रेजेंट देयर। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि एन साइड में प्रेजेंट हो गए, एंटर साइड में प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएंगे, पीट साइड के होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, उसके उनके साथ डिफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन विल लीव बिहाइंड अ पॉजिटिव इमोबाइल आयंस इन टू द एंड साइड एंड ईच होल विल डिफ्यूजेस इन टू द एंड साइड विल लीव बिहाइंड अ नेगेटिवली इमोबाइल आयंस। मतलब जब भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्रांसफर होंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण वहां पर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस एक्युमुलेट हो जाएंगे, और सेम जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स प्रेजेंट है वो जब इलेक्ट्रॉन के साथ जो डिफ्यूज करेंगे तब वहां पर पॉजिटिवली चार्ज की कमी होने के कारण वहां पर नेगेटिवली इमोबाइल आयंस एक्युमुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एक्युमुलेट नियर द जंक्शन ऑन द एन साइड एंड लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिवली इमोबाइल आयंस विल एक्युमुलेट ऑन द पी साइड नियर द जंक्शन। मतलब इस रिकॉम्बिनेशन, अभी देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स और मतलब होल्स है प्रेजेंट है पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो जब डिफ्यूज हो जाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। जब ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस चल रही है तब क्या हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिवली आयंस मतलब जो पॉजिटिव आयंस है वो एक्युमुलेट हो जाते हैं जंक्शन के नियर जो कि एन साइड में होते हैं, और जो लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस है वो एक्युमुलेट हो जाएंगे एट द पी साइड नियर द जंक्शन। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, मैंने डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में इसको अच्छी तरीके से समझा रखा है। द नेगेटिवली चार्ज आयंस ऑन द पी साइड विल स्टार्ट रिपलिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर सम टाइम द डिफ्यूजन विल स्टॉप।
जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में एंटर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो नेगेटिव इमोबाइल आयन्स है वो उन्हें रोक जाएंगे, रोक देंगे, और इसके वजह से जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ना ये कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, ये अभी इसके बाद जो है कैरी ऑन नहीं होगी। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। द पी एन जंक्शन इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो वर्ड है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब वो स्टेट होती है जहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है चार्जेस का डेवलप या फिर कोई भी डिफ्यूजन, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है। तो पी एन जंक्शन क्या हो चुका है? ये अभी इक्विलिब्रियम के स्टेट में जा चुका है जिसमें कोई भी प्रोसेस अभी नहीं हो रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आ नहीं रही पी टाइप सेमी कंडक्टर में, क्योंकि वो रिपल कर रहा है। तो इसलिए ये जो जो पी एन जंक्शन की डिफ्यूजन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। द शेडेड रीजन ऑन द बोथ साइड ऑफ द जंक्शन कंटेन्स ओनली इमोबाइल आयन्स एंड नो फ्री चार्ज कैरियर सच एज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो यहाँ पर जो शेडेड एरिया मैंने आप लोगों को दिखाया ना जिसमें सिर्फ इमोबाइल आइटम्स प्रेजेंट है। अच्छा, इमोबाइल मतलब क्या है मैं आप लोगों को वो भी बताना भूल गया। तो इमोबाइल आयन्स मतलब वो आयन्स जो कि मूव नहीं कर रहे। अभी देखिए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना वो स्कैटर्ड होते रहते हैं, तो बट यहाँ पर जो इमोबाइल आयन्स है ना उनकी खासियत ये है कि ये स्कैटर नहीं होते, ये एक जगह के ऊपर स्टिल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाते हैं? द शेडेड रीजन ऑन द शेडेड रीजन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन कंटेन्स ओनली इमोबाइल आयन्स एंड नो फ्री चार्ज कैरियर सच एज इलेक्ट्रॉन्स और होल। मतलब ये जो शेडेड रीजन है उनके वो जो है भर जाते हैं इमोबाइल आयन्स से, और यहाँ पर कोई भी टाइप के चार्ज कैरियर्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? चार्ज का जो है डिफ्यू मतलब डिप्लेक्ट हो जाते हैं, उनका जो उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्लीजन लेयर बोलते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड एज डिप्लीजन रीजन, जिसके मैंने आपको बताया। एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लीजन रीजन इज 0.5 to 1 mm। मतलब ये जो डिप्लीजन रीजन की जो एवरेज जो लेंथ होती है ना, विड्थ होती है उसको, वो कितनी होती है? 0.5 to 1 mm होती है, 1 micrometer होती है। आई होप आप लोगों को जो डिप्लीजन लेयर का ये जो कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट यहाँ पर जो डायोड जो डिफ्यूजन लेयर हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोग ने देखी, बाद में डिप्लीजन लेयर देखी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। बाकी अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द अमेजिंग टेक रिलेटेड वीडियोज़। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।